दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रुपेश देवांगन और आज हम सीखेंगे 28 इंच चेस्ट की सिंपल ब्लाउज की कटिंग। चलिए दोस्तों कटिंग स्टार्ट करते हैं। लंबाई है दोस्तों इस ब्लाउज की 13.5 इंच, अपर चेस्ट है 28 इंच और फुल बस्ट है 28 इंच। दोस्तों आपकी वीडियो में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा अपर चेस्ट और फुल बस्ट को, क्योंकि बहुत जरूरी है, इससे फिटिंग में बहुत प्रभाव पड़ता है। कमर है 24 इंच, शोल्डर है 5.25 इंच, इसको तैयार रखेंगे 5.25 इंच इसको तैयार रखेंगे, और आर्म होल जो है दोस्तों 5.5 इंच पर काटेंगे। स्लीव का जो लेंथ है 10 इंच रखेंगे, स्लीव का जो राउंड है 4 इंच रखेंगे। ये तो हो गया हमारा मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ पर हम चलिए शुरू करते हैं कटिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मैं ब्लाउज बताने जा रहा हूँ उसमें सामने से बेल्ट नहीं रहेगी, है ना। आज का जो कटिंग है बिना बेल्ट की बता रहा हूँ, नेक्स्ट और कभी बताएंगे इसमें बेल्ट वाली बताएंगे। तो 13.5 लंबाई है तो 14.5 इंच इसको काट लीजिए। दूसरा जो मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। अब देखिए यहाँ पर 9.5 इंच इसका गला खुलेगा ना, यहाँ पर 9, 9.5, 10 इस प्रकार का जो गला खुलता है उसके हिसाब से कटिंग बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों यहां पर 5.25 इंच आप इसका शोल्डर रख दीजिए 5.25 इंच पर। आप मीडियम जैसे 28 इंच चेस्ट जो रहता है उसके हिसाब से 5.25 इंच यहां पर रख सकते हो। इसको लिख देता हूं 5.25 इंच, 0.525 इंच। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो इसका चेस्ट है, अपर चेस्ट का सीधा चौथा भाग ले लें, 7.28। अगर आपको टाइट महसूस हो सकता है तो इसमें आप इसमें 1/4 इंच आप इसमें लूज कर सकते हैं, इसको 7.25 कर सकते हैं अगर आपको लूज फिटिंग पसंद है तो। वैसे जितना इसका चौथा लोगे तो इस प्रकार से इसमें भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा लूज भी कर सकते हैं, तो 7.25 चलिए ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम मत हो। 24 इंच है इसका कमर। देखिए यहाँ पर 24 इंच कमर है तो 24 का चौथा भाग होता है 6 इंच, इसमें 1 इंच का हम डॉट मार्किंग कर देंगे, ये देखिए इस प्रकार से और ऐसे। यहां पर इस लाइन को थोड़ा सा 0.25 इंच तिरछा करेंगे, ये बहुत जरूरी है। अब इसका राउंड आप घुमा लीजिए ऐसे। चौड़ाई दे दीजिए, जैसे आपको 3.25 इंच देना है तो 3.25 इंच दे दीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना, यहां पर थोड़ा सा आप करना चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि इसे फिटिंग में बहुत प्रभाव पड़ता है, व्रिंकल्स कम आती है। अब इसको काट लेते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद इसमें आप डांट के लिए बीचों बीच डांट लगाइए। देखिए यहां पर ध्यान रखिए डांट को आपको जितना ही, अब यहां पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा आप इसको ऊपर कर दीजिए, हल्का सा ऐसे करीब 0.5 इंच इसको ऊपर कर लीजिए ऐसे। तो ये क्या है, जब ये कपड़ा फैलेगी तो सीधा आएगा, है ना, इसको भी आप निशान लगा लीजिए। अब चलिए चलते हैं सामने के पल्ले में। सामने के पल्ले में आ जाने के बाद सबसे पहले देखिए यहां पर मैं पेपर से ड्राफ्टिंग सिखाता हूं। दोस्तों पेपर की ड्राफ्टिंग सीखने में बहुत आसान होती है ना। अब देखिए इस पे इस प्रकार से सीधी लाइन, हमने बहुत दूरी छुड़ा दी है ना, ध्यान रखिए पेपर में कटिंग करते वक्त। अब देखिए यहाँ पर फुल बस्ट है 28 इंच, हालांकि इसमें दोनों सेम है दोस्तों, कई चीज में अलग अलग रहता है लेकिन कम नाप में मैं ज्यादातर इस प्रकार से सेम रखा हूँ। फुल बस्ट है यहाँ पर 28 इंच, 28 का जो चौथा जो भाग होता है उसमें 1 इंच ज्यादा, चौथा भाग है 7 इंच, उसमें 1 इंच ज्यादा करेंगे तो 8 इंच, 8 इंच हम इसका यहाँ पर एक रख लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 8 इंच इस प्रकार से, देखिए यहां पर इसको पहले सबसे पहले इस प्रकार से रखिए। ये देखिए इस प्रकार से हमें रखा पीछे पल्ले को, पीछे को पल्ले को रखने के बाद देखिए यहां पर सिर्फ आपको आधी दूरी तक यहां पर निशान लगाना है ऐसे, ठीक है दोस्तों, यहां पर आधा दूरी पर निशान लगाना है। अब इसके बाद देखिए इस निशान को हम इसको आगे सरका देंगे। देखिए ध्यान रखिए हमने पीछे पल्ले को मिलाया है, 1 इंच का गैप है उसको हम फिल कर लेंगे, देखिए इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर इसको यहां से पूरा मार्किंग कीजिए, ये इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर एक गैप मिलता है, ये गैप हमारा
चौथा डांट जो शोल्डर का जो डांट रहता है वो हो जाता है ना। इस प्रकार से बस यही करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर सपोज समय गला 6.5 इंच खुला रखना है, 6.5 इंच यहाँ पर, सॉरी 6 इंच खुला है तो 6.5 पर मार्किंग करेंगे और इसको इस प्रकार से ये देखिए। चलिए दोस्तों अब इसका बस्ट का पॉइंट लगाते हैं। बस्ट का पॉइंट 28 इंच के लिए आप 9 इंच पर लगा सकते हैं, लेकिन आधा इंच बढ़ाकर, क्योंकि यहां पर सिलाई का मार्जिन हमें छोड़ना होता है। इस लाइन को आप बिल्कुल सीधा खींच लें, जहां तक हो सके दो जगह लाइन लगाए, दो जगह निशान लगाए, उससे लाइन बिल्कुल सीधा आएगी। 9.5 पर हमने इसको खींच दिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर करीब 3 इंच ऐसे। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो है ख्याल ध्यान रखेंगे कि इस ब्लाउज के लिए करीब 1 इंच ज्यादा सामने पल्ले से पीछे पल्ले को 1 इंच ज्यादा ध्यान रखेंगे, 1 इंच ज्यादा कुछ इस प्रकार से, इससे 1 इंच ज्यादा हम काटेंगे लंबाई को इस चीज में, है ना। ये देखिए इस प्रकार से 1 इंच ज्यादा इसको काटेंगे। अब देखिए यहां पर इसको डांट देने का तरीका, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर डांट लगाएंगे करीब 1.5 इंच का, 1 इंच का, वो इसके हिसाब से डिपेंड करता है। ज्यादा हैवी बस्ट है तो उसे आप 1.5 इंच तक दे सकते हैं, 2 इंच तक दे सकते हैं, लेकिन ये शरीर मतलब पतली दुबली है, नॉमिनल बस्ट है, तो उसको 1 इंच का ही हम डांट दे रहे हैं, 1 इंच का। तो देखिए दोस्तों पहले डांट देने का तरीका देखिए, टोटल 1 इंच है इस प्रकार से ऐसे, ये देखिए, और इसके बाद आप इसको मतलब कहने का मतलब ऐसा है यहां से करीब आप क्या करेंगे 2.5 से 3 इंच पर यहां पर ये कर लीजिए ऐसे, एक बराबर ताकि निशान आए, देखिए यहां पर ऐसे। तो ये जो है इस प्रकार से ऐसे, तो इससे क्या होता है डांट जो रहता है इस प्रकार से ऐसे लगता है ऐसे, ध्यान रखेंगे इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये इस प्रकार से आना चाहिए। अब देखिए यहां पर करीब 1.5 इंच, वैसे यहां इसका जस्ट आधा, यहां से लेकर दूरी का जस्ट आधा लेंगे, ये 3 है तो 1.5 कर देंगे यहां पर, ठीक है, 1.5 इंच थोड़ा ऊपर इधर, 1.5 इंच थोड़ा ऊपर इधर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम एक छोटा सा डांट यहां पर देंगे, ये डांट करीब आधा इंच का आता है डांट, करीब यहां पर डांट आधा इंच का आता है, और इधर का जो डांट रहेगा दोस्तों देखिए इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से उतार लेंगे, ये डांट करीब 1 इंच का आएगा। ये भी देख रेख कर रहता है, बस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यहां पर भी आधा, कभी कभी बहुत बहुत पतली दुबली रहती है, बिल्कुल नॉमिनल बस्ट रहता है, तो इसकी वजह से। अब देखिए यहां पर कमर को मिलाइए, किस प्रकार से मिलाना है आपको दिखाता हूं, ध्यान देखिएगा, इस पर ध्यान देने की वाली बात है। देखिए यहां पर हमें सिलाई मार्जिन अटैच करनी है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें सिलाई मार्जिन लगानी है ऐसे, बिल्कुल सीधा भी कर सकते हो, हल्का से यहां पर तिरछा भी कर सकते हो दोस्तों, इसको हल्का से इसको बाहर भी कर सकते हो, इससे और ज्यादा बढ़िया हो जाती है, ठीक है, हल्का से ये। अब देखिए कमर जो कितना है इसका, कमर है दोस्तों इसका 24 इंच, तो 24 इंच देखो यहां से हम नापते हैं, यहां से 2.5 है, फिर इस डांट में आ जाते हैं, यहां से 2.5 तो 24 है, ये चौथा भाग, देखिए 6 चौक 24, तो उसको कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, इसको डांट को इस प्रकार से लगाइए, सही तरीके से काटने के तरीके बता रहा हूं आपको, पेपर से कटिंग करने पर ये अच्छा आता है। देखिए डांट को आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, देखिए यहां पर ये डांट है, इसको इस प्रकार से लगा दें, ठीक है, आपने डांट लगा लिया। इसके बाद आप पीछे का पल्ला यहां पर रखें, पीछे का पल्ला यहां पर रखें ऐसे, और कितना दूर आ रहा है यहां पर, देखो यहां पर आ रहा है पीछे का पल्ला ऐसे, क्योंकि दोस्तों छोटा पल्ला तो हम नहीं कर सकते, इतना दूर अभी पीछे का पल्ला आ रहा है। अब यहां से आप देखिए डांट लगाने के बाद इसको बिल्कुल सीधा ऐसे खींचे और ऐसे खींचे, ये ठीक है, डांट लगाने के बाद उसको बिल्कुल यहीं से सीधा कर दें, यहीं से बिल्कुल सीधा कर दें ऐसे, जहां पर हमारा पीछे का पल्ला रहा है इसको काट लें, कितना भी आप सिंपल वे में काटे दोस्तों, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे में ब्लाउज नहीं बनने वाला। देखिए इस प्रकार से इसको आप देखो यहां पर इसको कटिंग करने का तरीका जैसा है वैसे कटिंग करें, फिलहाल ऐसे ऐसे।
अब देखिए दोस्तों इसको क्या है, इसको कहां तक ले जाना है आपको दिखाता हूं। देखो ये जो सेंटर जो यहां पर लाइन है ना, यहां पर सेंटर ऐसे ये डांट इस प्रकार से आती है, तो इससे देखो इसके बराबर ठीक ऐसे यहां पर इसके ठीक बराबर लगभग ऊपर में खींच दीजिए यहां पर लाइन को, क्या करें इस प्रकार से। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हमें गहरा खांचना होता है, लेकिन ये जो खांच है दोस्तों आप अभी नहीं लगाएंगे तभी चलेगा, इसको सिलाई लगाते वक्त या फिर देखो यहां पर इसको हल्का सा ये हल्का सा आप इसको बराबर इस प्रकार से खांच सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार सिलाई लगाते वक्त भी इसको खांचा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, है ना, इसी वजह से इसको नहीं, तो इस प्रकार से ये हो गया। चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम अस्तिन की कटिंग कर लेते हैं। अस्तिन काटने के लिए हम 10 इंच यहां पर ये करेंगे, 10 इंच है तो 11 इंच पर मार्किंग करेंगे कुछ इस प्रकार से, दूसरा मार्किंग करेंगे हम 3.5 इंच पर। अब देखिए दोस्तों लंबा अस्तिन में क्या करें, देखिए लंबा अस्तिन में यहां पर 4 इंच इसका मोहरी है, तो यहां से 1.5 इंच ज्यादा, 4 है तो यहां पर 1.5 इंच ज्यादा ले लेंगे, तो 4, 2, 5 और 5.5 इंच, 5.5 इंच पर इसको मार्किंग करेंगे। और देखिए यहां पर थोड़ा सा हम अंतर करेंगे इसको, यहां से आप 1.5 इंच ज्यादा लीजिए लंबा स्तिन में, ये सिंपल वे है, और इसको आप इस प्रकार से थोड़ा तिरछा कर लें। अब इसके बाद आप इसको चाहे तो इस प्रकार से थोड़ा सा तो आपको हाथ को ये देखिए इस प्रकार से ऐसे करें, ध्यान ये रखें कि बहुत इसमें गहरा ऐसा ना खांचे, गहरा खांचने से यहाँ पर टाइट होने का डर रहता है। और आपको और ज्यादा इजी तरीका बताता हूँ यहाँ पर इसको खांचने का, तो आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर जितना आपने दूरी लिया है, जैसे देखो यहाँ पर 7.5 है, तो 7.5 को देखो 6.5 है, तो 6.5 का ठीक आधा 3.25, यहां से आप बिल्कुल सीधा खींचते हैं, या फिर एक अंदाजे से आप कर सकते हो, यहां से जितनी दूरी उसका ठीक आधा, यहां से जितना दूरी है उसका ठीक आधा लगभग यहां पर, लेकिन वो सिस्टम ठीक नहीं, इसका इसका आधा करें आप, है ना, तो यहां पर इस प्रकार से करें ऐसे। तो ये जो मार्किंग है कुछ इस प्रकार से ही आनी चाहिए, बहुत इस प्रकार से खांचने पर ये जो शोल्डर के पास जो होता है, जो कंधे के पास एक दर्द करने लगता है, पहनने वाले को कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए इस प्रकार से आप इसको कटिंग करें। इसका ठीक आने आधा लिया, उसके बाद इसको खींच दिया, ये जिस प्रकार से इसकी गोलाई ऐसे बनती है। अब हर मतलब हर स्क्रीन में इस पैटर्न का फॉलो कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने इसकी कटिंग कर ली है, कटिंग करने के बाद आप इसको ये देखिए ऐसे, तो इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल सिंपल वे में मैंने सिंपल मतलब ब्लाउज, तो इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग बताई। इसी प्रकार से हर प्रकार की साइज में हर प्रकार के पैटर्न से काटने की कोशिश करूंगा, रोज वीडियो देखें दोस्तों। और इसको स्टिचिंग को सीखना है, स्टिचिंग की पूरी गहराई को सीखना है, तो हमारे चैनल जो दूसरा चैनल है मोहक फैशन चैनल पर जरूर जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।